बड़वानी में परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सेंट मेरी स्कूल में किया हंगामा। हंगामे के बाद स्कूल प्रबंधन ने तारीख आगे बढ़ाने को लेकर जताई सहमति। अनंत चतुर्दशी के अगले दिन सेंट मेरी स्कूल बड़वानी के बच्चों की परीक्षा आयोजित करने को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के लोग स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षा एक दिन आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन किसी ने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा, जिसके बाद आक्रोशित संगठन के लोग आक्रोश में आ गए, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद संगठन के लोग वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में स्कूल प्रबंधन परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गया है। जिला संगठन मंत्री ने बताया कि अनंत चतुर्दशी की रात को झांकियां निकाली जाती है, डीजे बजते हैं, साउंड बजते हैं और करीब पूरी रात हिंदू धर्म के लोग जागते हैं, झांकियां निहारते हैं, जिससे सुबह परीक्षा दे पाना संभव नहीं है। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन सेंट मेरी स्कूल ने सुबह 3री से 10वीं तक बच्चों की परीक्षा आयोजित कर दी, जबकि स्कूल में अधिकतर बच्चे हिंदू है, जिनकी जानकारी मिलने पर प्रबंधन ने बात करने गए लोगों ने लेकिन वहां बात को राजी नहीं हुआ। हंगामे के बाद प्रबंधन तारीख बढ़ाने के लिए राजी हो गए। स्कूल शिक्षा का मंदिर है, इसलिए हम भी बात आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में मीडिया से बात नहीं की है। कारण ये था कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो सब जुड़ी हुई है, और यहाँ के लोगों को विगत सब बच्चे हिंदू, लगभग मेजोरिटी में जो बच्चा है, जो छात्र है यहाँ का, वो हिंदू है। और यहाँ का जो आनंद चौदस का कार्यक्रम है, आनंद चतुर्दशी के का जो कार्यक्रम है, उससे सब परिचित है। वो रात भर चलता है और डीजे, बड़े बड़े डीजे और साउंड, और उसके अगले ही दिन परीक्षा रखना। 25 सालों से विद्यालय अपना चल रहा है, उस विद्यालय को चलते हुए 25 साल हो गए, तो हमको भी इस त्यौहार के बारे में ध्यान है। तो हम वो परीक्षाओं में जो गैप होती है उनको 2 दिन की जो गैप रखते हैं, उसमें एक दिन और बढ़ा सकते थे। उस दिन शुक्रवार आ रहा था, तो अगला शनिवार को भी अपन ये परीक्षा कर सकते हैं, इसलिए हम आए थे। मदन महल जीआरपी पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी राजेश राज ने जानकारी देते हुए बताया कि जो रेलगाड़ियों में यात्रियों का मोबाइल सहित अन्य कीमती सामान पर चोरी कर दिया करते थे। लंबे समय से चल रही इस खेल पर आज जीआरपी मदन महल ने विराम लगा दिया है। जीआरपी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटा गया सैमसंग कंपनी का मोबाइल। आरोपी शिवा राजपूत, पिता सीताराम राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम तरवारा गोटेगांव से 15,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं दूसरी कार्यवाही कर आरोपी दिनेश पटेल, पिता सुखराम पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी तरवारा गोटेगांव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी से इटारसी व जबलपुर के बीच चोरी किए गए 7 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के कीमती 88,500 रुपए भी जब्त किए गए हैं। दौरान यात्रा भटोनी में एक अज्ञात लड़के ने उनकी बच्ची के हाथ से मोबाइल छुड़ा के उसको बच्ची को डब्बे में गिरा के और मोबाइल लेके भाग गया था, जिसकी रिपोर्ट पर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू की है। उसमें साइबर सेल में मोबाइल को सर्च में लगवाया, जिसके माध्यम से आज हमने दिनेश पटेल, पिता सुखराम पटेल, निवासी गोटेगांव का है, ये तरवारा का रहने वाला है गांव का, तो जिससे हमने चोरी लूट का मोबाइल बरामद कर लिया है। उसके साथ भी उसने कई चोरियां कबूल की है, जिसके हमने 7 मोबाइल अन्य विभिन्न कंपनियों के अन्य मामलों के भी जब्त किया है 41-4 में, जिसके हम मालिकों की पता रसी करेंगे साइबर सेल के माध्यम से, और आरोपी को अभी न्यायालय हम पेश कर रहे हैं। जबलपुर से वासिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत लम्हेटा बाईपास के पास ट्रक और मेट्रो बस में जोरदार भिड़त हो गई। इस दर्दनाक घटना में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह मेट्रो बस अंधमुख बाईपास की ओर से तिलवारा की तरफ जा रही थी, जैसे ही लम्हेटा बाईपास के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आज भी मेट्रो और ट्रक चालक दोनों ही तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे थे, जिससे दोनों का नियंत्रण खो बैठा और यहां हादसा हो गया। घटना में चौकीताल में ही रहने वाले 62 वर्षीय नेत्राम पटेल की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त बस में सवार सरोज कार्तिक झारिया, निशा मल्हा, प्रदीप दाहिया व अन्य को चोटें आई है। घटना गंभीर हो रही है,
जिसमें लोगों की डेथ भी होती है। आज सरकार ने बाईपास बनाया लेकिन मापदंडों का ध्यान नहीं रखा। ये ब्लैक स्पॉट जो है, ये हो चाहे हमारा अंदमू बाईपास हो, चाहे जोधपुर बाईपास हो, हम लोगों ने इसकी अनेक बार मांग रखी। कायमे सड़क सुरक्षा समिति में जिसके अध्यक्ष सांसद जी होते हैं, तो कलेक्टर के हाथ में, कि आप ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके खासकर बाईपास उनको सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जाएं कि हमारे आम जनता की जान माल की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके। आज एक डेथ हुई है, अनेक लोग घायल हुए जिसमें बच्चे भी थे। ये बड़ी गंभीर घटना है और शासन की प्रशासन की घोर लापरवाही। आज थाना तिलवाड़ा क्षेत्र में लमेटा घाट के पास हाईवे पर एक बस आ रही थी, तो उस ट्रक ने बस और ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसमें बस में सवार एक आदमी की मृत्यु हो गई है और 5 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, मृतक का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद संबंधित ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, जिसको लेकर जबलपुर के घंटाघर चौक पर नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने पुलिस पर पथराव भी किया। वहीं छात्र छात्राओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग तथा वाटर कैनन का उपयोग भी किया गया। वहीं नर्सिंग स्टूडेंट एसोसिएशन के गोपाल पाराशर ने बताया कि पिछले 3 सालों से नर्सिंग छात्र छात्राएं परीक्षा न होने से परेशान है। वहीं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनसे फीस तो ली गई परंतु परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन कलेक्टर को महारैली के माध्यम से सौंपा जाना था। वहीं पूरे मामले को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पुष्पराज सिंह नर्सिंग कॉलेज की मान्यताओं को लेकर माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखा जा रहा है। जैसे ही किसी भी प्रकार का निर्णय मान्यता के संबंध में आएगा, छात्रों की परीक्षा कराई जाएंगी। मांगे ये है कि यहाँ पे ये जो बच्चे बैठे हुए हैं बेचारे 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इनकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने, मध्य प्रदेश सरकारियों के मंत्रियों ने मान्यता देने के नाम पे भरपूर पैसा खाया है, तो फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी है। फर्जी कॉलेज चक्कर में सही कॉलेज के बच्चे भी पिस रहे हैं और पिछले 4 साल से पिस रहे हैं। माननीय कोर्ट में केस चला गया और केस चल रहा है, केस चलता ही जा रहा है और किसका कोई ना तो निर्णय निकल रहा, और CBI भी अपना जांच पूरा करके नहीं दे रही, और इसका इनके बेचारे ये अपने भटक रहे हैं कि कैसे हमारे एग्जाम हो जाए। लाखों रुपये लगा दिए कॉलेज वालों, फीस ले लेते हैं, लाखों रुपये हॉस्टल में लगा दिए, लाखों रुपये फीस में लगा दिए, लोन से पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, भारी दुखी हैं ये और इनके परिवारजन। प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर से स्थानांतरित होकर जबलपुर में आया है और यहाँ पे हेयरिंग चल रही है। शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि यथाशीघ्र बच्चों की समस्याओं का निराकरण हो। माननीय एडवोकेट जनरल साहब स्वयं इस बात को देख रहे हैं। प्रशासन में माननीय ACS साहब, PS, मंत्री जी, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इसका संज्ञान में लिए हुए हैं। बट चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो जैसे ही न्यायालय के आदेश होंगे वैसे ही इनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, बाकी अन्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं और जन आक्रोश पर यात्रा पर भी निशाना साधा, जहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को एक दूसरे का भरोसा ना होने की बात कही है। दरअसल भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस के द्वारा लगातार कभी पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं तो कभी जन आक्रोश यात्रा निकालने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस की इसी कवायदों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस के गुब्बारों की हवा निकल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों ही वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि जून माह में कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस में इतना भय व्याप्त है कि उनके द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई है। साथ ही जनता समझ चुकी है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, हताशा में लड़ाई लड़ रही है।
हमने सब ने देखा कि कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बात की, उनका पूरे गब्बारे की हवा निकल चुकी है। वो जून में कैंडिडेट देने वाले थे, जून से छोड़ो अब ये सितंबर गया, अक्टूबर आने वाला है, कोई कैंडिडेट उनके पास दे नहीं पाए। उनके घोषणा पत्र पे करना कहा था कि हम केवल 5 वचन की बात करेंगे, वो सारे वचनों से उनको पिछली बार जनता ने जो सबक दिया था, आज वो कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय है, मुझे बड़ी दया भी आती है। लेकिन चुनाव का माहौल है, भाजपा अपने निर्धारित कार्यक्रम में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पे पहुंच गई और जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद भी मिल रहा है, और यही कारण है कि हमारी 5ों जन आशीर्वाद यात्रा निर्धारित कार्यक्रम पूरे करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के 25 तारीख के महाकुंभ की तैयारी में हम सब जुट गए हैं। स्वाभाविक रूप से जनता का मूड और जनता का साथ हमारे सबके सामने है और साथ में है। विजयासन देश में अमन, सुख, शांति और सद्भावना की कामना को लेकर बुजुर्ग निकाल रहे हैं पदयात्रा। देश के लिए शहीद और जवानों और कोरोना के मृतक लोगों को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। इंदौर निवासी लक्ष्मण नामदेव देश में अमन, सुख, शांति और सद्भावना की कामना को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। वो इंदौर से उज्जैन, देवास, ओमकारेश्वर और महेश्वर होते हुए आज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा के विजयासन पहुंचे। यहां से महाराष्ट्र के सीडी त्रयंबकेश्वर से मां सप्तशृंगी होते हुए अपने शहर इंदौर जाकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। यात्रा के दौरान भोजन और रहने की व्यवस्था किसी पेट्रोल पंप, गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद या पुलिस थाना जहाँ स्थान मिलता वहीं रुक कर लेते थे। इसी दौरान प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते थे। वहां देशवासियों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। चलते बाबू 15 और 20 के दायरे में चलता हूं। और रुकने खाने की व्यवस्था क्या रहती हो? मंदिर मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, गिरजाघर मिले, बुद्धिहार मिले, ढाबा मिले, होटल मिले, पेट्रोल पंप मिले, चार पंच दुकान मिले, पुलिस चौकी मिले, पुलिस थाना मिले, रेसिडेंसी हाउस मिले, टोल नाका मिले। ये हमें अगर कुछ नहीं मिलता तो सड़क से 20 किलोमीटर स्टॉप हो जाता है। यात्रा का नियम है सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे। भोजन की रही, वो ईश्वर है, वो करता है हमारा।